Dear students of class 1 and respected parents, assalamu alaikum. How are you students? I hope you will be fine and safe at homes. I am your English teacher from Junior Campus High School, and today I am going to deliver you a lecture from your English book. And as you know, today is our second lecture. जैसे आप जानते हैं कि हमने ग्लो वर्म्स की फर्स्ट लेक्चर में रीडिंग की थी. होपफुली आपने उसके अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी बेटा. तो आज हमने उसके अपनी नीट कॉपी पर यानी स्कूल की नोटबुक पर डिक्टेशन वर्ड्स करने हैं. तो उसके लिए हम कॉपीज रेडी करेंगे सबसे पहले. देन ओपन योर नोटबुक्स बेटा. ओके बेटा, इस तरह से आपने अपनी नोटबुक्स को खोल कर रेडी करना है. 15 आपकी डेट होगी, ठीक है, आज की डेट के मुताबिक आप डेट, ठीक है, उसके लिहाज से आपने जैसे क्लास जैसे हम रेडी करते हैं. और ग्लो वर्म्स आपके चैप्टर का नेम है यानी पोइम का. इंडिकेशन वर्ड्स बिल्कुल इसी तरह से आपने इसको रेडी करना है. यहाँ पर जैसे मैंने कैपिटल लेटर से ग्लो लिखा है डिक्टेशन, और वर्ड्स का डब्ल्यू भी मैंने कैपिटल लिखा है. फिर इसी तरह से आपने मार्जिन लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक है, और सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करके आपने एक एंडिंग लाइन भी लगानी होती है. आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है. और इस तरह से आपने नंबरिंग 7 तक कर लेनी है. और हर वर्ड को जैसे बेटा हम पहले आप सबको पता है 2 times लिखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम 2 times लिखेंगे. और ये काम आपने अपनी कंटेंट की नोटबुक पर करना है, ठीक है बेटा. सबसे पहला आपका वर्ड है ग्लो वर्म्स, ठीक है, आपने उसको इधर स्टार्ट करना है और अच्छे से बनाना है. और सीधा सीधा लिखा करें एक ही डायरेक्शन में, और ज्वाइनिंग के साथ काम करना है. और जैसे आपको पता है कि फर्स्ट कैपिटल लेटर हम उसके साथ ज्वाइन नहीं करते सेकेंड लेटर को. आपने इस तरह ग्लो वर्म्स लिखना है, GLOW ग्लो, WORMS वर्म्स, ग्लो वर्म्स, ठीक है. अब हमारा सेकेंड वर्ड है डजन्स, डजन्स, DOZ यानी कि ZENS, डजन्स, ठीक है. इस तरह से हमने इसको लिख लेना है. फिर हमारा थर्ड वर्ड है स्ट्रेंज, स्ट्रेंज, STRANGE, स्ट्रेंज. अब बेटा जब आप ये टी के लाइन लगाते हैं ना, तो हमने ध्यान रखना है यहाँ पर नहीं बल्कि थोड़ा सा उससे ऊपर यहाँ लगाया करें ताकि वो क्लियर नज़र आए, ठीक है. नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्केयर, स्केयर, SCARE, स्केयर. अब देख लें आप नोट कर रहे होंगे कि मैं यहाँ पर इसको ज्वाइन नहीं कर रही हूँ, ठीक है. ये आपने यहाँ पे बिल्कुल माइनर सा गैप देना है, इसके साथ फर्स्ट कैपिटल लेटर के साथ ज्वाइन नहीं करना आपने, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड हमारा साइट है, SIGHT, साइट, SIGHT, साइट. अब देखिए टी को फिर हमने इस तरह से किया. ज्वाइनिंग राइटिंग करते हुए आपने ये सब चीज़ें फॉलो करनी है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्राइटर, ब्राइटर, BRIGHT, ब्राइट, और फिर उसके साथ आप ER लगाते हैं तो क्या बन जाता है, ब्राइटर. ये आपका वर्ड हो गया, ठीक है. नंबर 7 पे है आपका डांस्ड, डांस लिखे पहले आप, DANCE, डांस, और डी लगा देंगे तो डांस्ड हो गया, ठीक है. ये बेटा आपके टोटल 7 वर्ड्स हैं. इसी तरह से आपने इसको फॉलो करते हुए राइटिंग अच्छी अच्छी सी लिख लेनी है. इसको लर्न भी करना है और 2 times आपने इसको लिखना है, 1 time एंड देन सेकेंड टाइम. एक वर्ड को आप 2 times लिखते जाएंगे, ठीक है. इस तरह से आपने इसको लिख लेना है बहुत अच्छी राइटिंग में, और सब चीज़ों को फॉलो करना है कि लाइन्स किस तरह से लगानी है, क्लास ऑफ डेट लिखना है, और कैपिटल लेटर के साथ आपने इनको स्टार्ट करना है, ठीक है, और एंडिंग लाइन फिर लगाएंगे आप. ये आपका आज का लेक्चर है, आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है. इसके साथ आपकी रिवीजन जा रही है बेटा. ओके बेटा, आप जैसे जानते हैं फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने कहा था कि आपने कैट इन अ हैट के क्वेश्चन आंसर रिवाइज कर लेने हैं. तो आज के लेक्चर के साथ जो आपका रिवीजन का काम है वो आपके हैं पेज नंबर 40 और 41, जो आपकी बुक का काम है, ठीक है, यानी बुक वर्क है आपका कैट इन अ हैट का. आपने इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, ठीक है बेटा. आज का हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है. अपना खूब ख्याल रखें, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह.